यूपी के सबसे बड़े माफियाओं में से एक अतीक अहमद का खौफ अब मिट्टी में मिलता जा रहा है। जब से यूपी में योगी सरकार बनी है, अपराधियों और माफियाओं को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो अतीक अहमद हो, आसम खान हो या मुख्तार अंसारी। यूपी में इन सभी माफियाओं की योगी ने हेकली निकाल दी है, सब के सब जेल में बंद है। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को लगता था कि जेल में रहते हुए वो अपनी खौफ की काली दुनिया को चलाता रहेगा, लेकिन वो शायद भूल गया कि यूपी में योगी के रहते ये संभव नहीं है। अतीक को लगता था कि अपने बेटे के जरिए वो अपने पाप के साम्राज्य को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उमेश पाल और दो सिपाहियों की हत्या में जिस तरह से अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का नाम सामने आया, तब से उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अतीक से पहले उसके बेटे असद का एनकाउंटर हो सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में अब भी कुछ शूटर फरार चल रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए पुलिस पिछले 14 दिनों से जुटी है। उन्हीं में से एक असद भी है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद ने अपने अपराध के साम्राज्य पर असद की ताजपोशी कर दी है और अपना खौफ बनाए रखने के लिए उमेश पाल हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया, ताकि लोग समझ सके कि अतीक गैंग में उसके बाद किसका फरमान चलेगा। उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए शूटरों ने वक्त, जगह और तरीका ऐसा चुना ताकि दहशत फैले। जिस तरह से अतीक अहमद के गुर्गों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसमें अतीक का तीसरा बेटा असद साफ तौर पर सामने था। दरअसल उमेश पाल की इस तरह से हत्या करवाकर अतीक अहमद ने एक तीर से दो शिकार किए। पहला, उमेश पाल को अतीक का फरमान नहीं मानने की सजा देकर प्रयागराज और आसपास के लोगों को यह बता दिया कि अतीक की बात नहीं मानने वालों का क्या अंजाम होगा। वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल की हत्या को अंजाम देकर एहसास कराया गया कि हत्या में किसका हाथ है और किसने हत्याकांड को अंजाम दिया। इससे अब अतीक ने यह साफ संदेश दे दिया कि उसके दो बेटे अली और उमर भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उसका तीसरा बेटा असद अब उसके अपराध की दुनिया का वारिस है। लेकिन अब योगी के एक्शन के बाद अतीक का ये माइंड गेम मौत में बदल सकता है।